चावल के निर्यात पर रोक पड़ सकती है महंगी जी हाँ भारत ने बीते सप्ताह चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया था जिसका असर अब दुनिया और खास तौर पर एशियाई बाजार में देखने को मिल रहा है बाजार में चावल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है भारत के फैसले के चार दिनों के अंदर ही एशिया के बाजारों में चावल के दाम चार से पांच फीसदी तक बढ़ गए हैं इससे एशिया में चावल का व्यापार लगभग ठप पड़ गया है क्योंकि भारतीय व्यापारी अब नए समझौते पर दस्तखत नहीं कर रहे नतीजन खरीदार वियतनाम थाईलैंड और म्यांमार जैसे विकल्प खोज रहे हैं लेकिन इन देशों के व्यापारियों ने मौके को बुनाने के कारण दाम बढ़ा दिए हैं दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत ने पिछले हफ्ते ही टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने का ऐलान किया था इसके साथ ही कई अन्य किस्मों पर निर्यात कर 20 प्रतिशत लगा दिया गया औसत से कम मानसून बारिश के कारण स्थानीय बाजारों में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए ये फैसला लिया गया इस साल कई इलाकों में बारिश कम हुई है इससे धान की रुपाई भी कम देखने को मिली है और बीते सालों के मुकाबले देरी से भी हुई है ऐसे में घरेलू बाजार में चावल की कीमतों के संकट को टालने के लिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया भारत दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को चावल का निर्यात करता है और उसकी तरफ से निर्यात में आने वाली जरा सी भी कमी उन देशों की कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है पहले से ही खाने के सामान की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि झेल रही दुनिया के लिए ये अब एक बड़ी समस्या हो सकती है यूरोप और अमेरिका के कई इलाके ऐतिहासिक सूखे से जूझ रहे हैं और यूक्रेन युद्ध का असर भी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ाए हुए है यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अनाजों की मांग और सप्लाई में असंतुलन बना हुआ है पहले ही गेहूं और चीनी को लेकर समस्या थी और दोनों चीजों की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई हाल ही में भारत ने गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी और चीनी के निर्यात को भी नियंत्रित कर दिया था अब चावल पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं भारत के फैसले के बाद से एशिया में चावल के दाम पाँच प्रतिशत तक बढ़ गए हैं जानकारों का कहना है कि अभी कीमतों में और तेजी हो सकती है भारत के सबसे बड़े चावल निर्यातक निर्यातकों का कहना है कि पूरे एशिया में चावल का व्यापार ठप पड़ गया है व्यापारी जल्दबाजी में कोई वादा नहीं करना चाहते पूरी दुनिया के कुल चावल निर्यात का चालीस फीसदी भारत से निर्यात किया जाता है इसलिए कोई भी इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं है कि आने वाले समय में दाम कितने बढ़ेंगे चावल दुनिया के तीन अरब लोगों का मुख्य भोजन है और 2007 में भी भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था तब इसके दाम 1000 डॉलर प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे दरअसल भारत सरकार के फैसले के बाद देश के प्रमुख बंदरगाहों पर जहाजों में चावल की लदाई का, का काम बंद हो गया है और करीब 10 लाख टन चावल वहीं पड़ा हुआ है खरीदार सरकार द्वारा लगाए गए नए 20 प्रतिशत कर को देने से इनकार कर रहे हैं ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस चावल के दाम पर समझौते बहुत पहले हो चुके थे और सरकार ने जो नया कर लगाया है वो पहले से तय नहीं था ऐसे में निर्यातकों का कहना है कि बढ़े हुए कर के कारण आने वाले महीनों में भारत का निर्यात 25% तक गिर सकता है उनका मानना है कि सरकार को कम से कम उन समझौतों के लिए तो राहत देनी चाहिए जो आज से पहले हो चुके हैं और बंदरगाहों पर चावल लादा जा रहा है भारत की ओर से चावल के निर्यात पर बैन लगाने का फायदा भारत के प्रतिद्वंदी देश थाईलैंड वियतनाम और म्यांमार के व्यापारी उठा रहे हैं चावल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए खरीदार इन देशों की ओर रुक कर रहे हैं लेकिन इन देशों के व्यापारियों ने टूटे चावल के दाम पाँच फीसदी तक बढ़ा दिए हैं वहीं डीलर्स का कहना है कि पिछले चार दिनों में यानी भारत के निर्यात पर रोक के फैसले के बाद से कीमतों में बीस डॉलर यानी लगभग डेढ़ हजार रुपए प्रति टन की वृद्धि हो चुकी है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी